केंद्र सरकार ने 70 साल या इस तो वध उम्र के बजुर्गों नूं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्या योजना नाल जोड़ के 5 लाख रुपए तक की सेहत सेवावां प्रदान करन दा ऐलान कीता सी। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दीआं सेवावां की शुरुआत की और बजुर्गों नूं दिवाली का तोहफा दिता। इस स्कीम तहत जिले में इस उम्र वर्ग के 1,17,129 बजुर्गों नूं लाभ मिलेगा। जिले में ए बी पी एम जे दे नोडल अफसर डॉक्टर ज्योति शर्मा अनुसार जिले के 13 सरकारी 60 प्राइवेट हस्पताल इस स्कीम तहत सूची में शामिल ने। 30 अक्तूबर को 70 साल और इस तो वध उम्र के सीनियर नागरिकों लिए कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस स्कीम तहत 15 बजुर्गों ने सिविल हस्पताल आके अपने कार्ड बनवाए। कई बजुर्गों के मोबाइल नंबर उन्होंने आधार कार्ड नाल लिंक नहीं हैं। अजिहे लोगों नूं पहला अपना फोन नंबर आधार नाल लिंक करना होगा। कार्ड जिला हस्पताल सब डिविजनल हस्पताल कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर में बनवाया जा सकता है। स्कीम तहत 60 प्राइवेट हस्पतालों सूचीबद्ध किया गया है। शहरों कस्बों और पिंडों बने निजी सेवा केंद्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। इस तो अलावा कार्ड बनवाने लिए जरूरी गल्लां, कार्ड बनवाने लिए बजुर्गों को निजी तौर पर केंद्र जाना पवेगा। बजुर्गों को अपना आधार कार्ड अपने नाल लैके आना पवेगा। आधार कार्ड को मोबाइल फोन नाल लिंक किया जाना चाहिए है। मोबाइल फोन जिस नाल आधार कार्ड लिंक किया गया होवे नाल लैके आना जरूरी है। सेवा केंद्र में ऑपरेटर बेनीफिशरी .nha.gov.in ते बजुर्गों का आधार कार्ड नंबर अते लिंक किया मोबाइल नंबर भरेगा। OTP भरन तो बाद बजुर्गों का नाम पता सूबा अते परिवार के वेरवे जानेंगे। बजुर्गों की फोटो मौके पर ही ले जाएगी अते तुरंत कार्ड जारी किया जाएगा।